हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। दोस्तों स्वागत है आपका एसएससी अड्डा और अड्डा 24/7 पे। सबसे पहले आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एक बार फिर से कहना चाहूंगा। रीजन ये है यार कि जितनी बार स्वतंत्रता को सेलिब्रेट करो उतना ही अच्छा होता है। अच्छा, और आप लोग को मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा, उसके पीछे एक रीजन है। देखो यार, अब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, जाहिर सी बात है लाइट कटी हुई है और आपका यूपीएस के जरिए लेक्चर हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो जा रही है। ठीक है, तो इसलिए फिर भी आपके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो सभी के कमेंट तो मैं पढ़ता रहूंगा, और अगर बीच में लाइट आ गई तो मैं निश्चित तौर पर आप लोग के साथ जुड़ जाऊंगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग फेस के लिए परेशान नहीं होंगे और मेरे शो में उसी तरीके से जुड़े रहेंगे जैसे आप लोग जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो वेलकम, और शुरुआत किया जाए पहले क्वेश्चन का। लेकिन यार पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ देख लिया जाए, और वो क्या देखा जाए, देखो कुछ बहुत ही शानदार एसएससी अड्डा के बैचेज आए हुए हैं। अब उन बैचेज में एक तो देखो इंग्लिश हम लोग की वीकनेस रहती है, और अगर हम लोग की इंग्लिश वीकनेस है तो भाई देखो, पहले एक बार और बता दूं कि फेसलेस हूं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन मैं लाइट कटने की वजह से यहाँ पे जो मेरी इमेज आती है वो नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि लाइट कट है। अच्छा खैर कोई बात नहीं, एसएससी के इस महापैक से, एसएससी के इस महापैक में यार ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो इसको प्लीज आप लोग एक्सेप्ट करें। ठीक है, और इस एसएससी के महापैक में आपका सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, कांस्टेबल, सिलेक्शन पोस्ट, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल पोस्ट, सभी वेरिएबल्स हैं। तो सर मोहम्मद दानिश यार लाइट नहीं है दोस्त, इस वजह से फेस नहीं जा पा रहा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द भगवान करें कि शो के बीच में ही लाइट आ जाए और हम आप जुड़ जाएं। चलिए पहला क्वेश्चन बताइएगा, नाभिकीय विकिरण द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाला शरीर का अंग कौन सा है? ठीक है, पप्पू लिप्सा राजू परमार जी आंसर करके बताइएगा। प्रदीप सर का इमेज नहीं दिख रहा है, मोहम्मद दानिश यार लाइट कटी हुई है दोस्त, बार बार इन्फॉर्म कर रहा हूं, बताइएगा नाभिकीय विकिरण द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाला शरीर का अंग कौन सा है? अच्छा, तो आशीष जी, यूपीएससी, करण मोहर, राहुल मीना, जरा बताइएगा कि 6 महीने बाद आपकी क्लास रद्द कर रहा हूं। राहुल मीना यार क्लास मत रद्द करो, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, अस्थि मज्जा। देखो नाभिकीय विकिरण, यदि दोस्त रेडिएशन की बात करें तो मैं आपसे एक क्वेश्चन जो हमेशा पूछता रहता हूं कि अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा कणों के निकलने के बाद अंत में तत्व किस में बदल जाता है? अंत में जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वह किस में बदल जाता है? न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है दोस्त वह किस में बदल जाता है? क्या आप आंसर कर पाओगे इसका, वह किस में बदल जाता है? देखो लाइट नहीं है दोस्त, आपको यूपीएस की भी आवाज पीछे से आ रही होगी तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है ना, वह किस में बदल जाता है? लंग्स नहीं, इसका बोन मैरो आंसर है। वह किस में बदल जाता है दोस्त? वह सीसा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? सीसा में बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट, रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है? रक्त कैंसर की बात कर रहा है, मतलब अगर हम लोग बात करें दोस्त ब्लड के बारे में, तो ब्लड के बारे में यहां हम लोग बहुत कुछ पढ़ सकते हैं और बता सकते हैं। जैसे अगर मैं ब्लड से आपसे 3-4 क्वेश्चन और करूंगा, लेकिन सबसे पहले तो आप इसी का आंसर कर दीजिए कि रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से। मैंने आप लोग को बताया था कि ब्लड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए आपसे यही पूछ देगा कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना होता है, कोई बता पाएगा? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो, भैया जरा बताइएगा आरबीसी डब्ल्यूबीसी का रेशियो। ऋचा जी, आकांक्षा, गिल्लू शर्मा, सुनील, ज्योति प्रसाद, अखिलेश, अनु पटेल, ब्यूटी तिवारी जी, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बेंजीन। अब देखो कई लोग इसको भी गलत कर दे, बेंजीन इसका राइट आंसर है। और आरबीसी डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना होता है? 600:1। क्लियर है ना, 600 संबंधी एक का रेशियो होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो। अच्छा यहीं पे यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन कर दूं ब्लड के बारे में और पूछ दूं कि रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेवार होता है, ठीक है ना, रक्त थक्का के लिए आपको बताना है ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेवार होता है, और साथ ही साथ यहीं पे बताओ कि कौन सा विटामिन जिम्मेवार होता है। तो जरा बताइएगा दोस्तों, गिल्लू शर्मा जी और अरिता चक्रवर्ती, मुरारी, सोनिया, जरा इसका आंसर करिएगा। लिप्सा, अंजलि, आरो जी, और यार जो मेरे दोस्त बाद में जुड़े हैं उनको बता दूं, लाइट न होने की वजह से यहां मेरा फेस नहीं दिख रहा है। अगर बीच में लाइट आ गई तो मैं निश्चित तौर पे आप लोग के साथ जुड़ जाऊंगा। ठीक है ना, निश्चित तौर पे मेरा फेस भी आप लोग को दिखने लगेगा, बस सॉरी फॉर दैट। तो रक्त का थक्का
का प्रोटीन कौन है भैया? रक्त का थक्का जमने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन है? आप लोग आंसर करिए। लिप्सा सामल जी, अंजलि आरव, प्रदीप चौरसिया, जरा इसका आंसर करो। फाइब्रिनोजन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाइब्रिनोजन, क्लियर है ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाइब्रिनोजन हो जाएगा। और विटामिन के जिम्मेदार होता है। अच्छा, एक मजेदार बात, विटामिन के भी शरीर के अंदर होता है, फाइब्रिनोजन भी शरीर के अंदर होता है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, फिर शरीर के अंदर जो ब्लड का थक्का है वो नहीं जमता शरीर के अंदर? आप जानते हो रक्त थक्का नहीं जमता, रक्त थक्का नहीं जमता, किसकी वजह से? ये एक आंसर करो दोस्तों। क्योंकि देखो, हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा कि फाइब्रिनोजन की वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, विटामिन के की वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। अब ये दोनों प्रोटीन आपकी बॉडी में मौजूद हैं, तो आपको बताना है रक्त का थक्का नहीं जमता शरीर के अंदर किसकी वजह से? तो भैया बहुत ही आसान आंसर है, इसका आंसर आप सभी लोग करोगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। हीपेरिन, बहुत बढ़िया, हीपेरिन की वजह से, क्लियर है ना? हीपेरिन की मौजूदगी की वजह से रक्त का थक्का नहीं जमता। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा, समुद्र से किसी शहर की ऊंचाई जितनी अधिक होगी वहां की आबादी उतनी ज्यादा क्या होगी की मात्रा बढ़ा कर लेती? किस चीज की मात्रा? न्यूक्लियर रेडिएशन उसको ज्यादा मिलेगा, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ज्यादा मिलेगा, या कॉस्मिक रेज ज्यादा मिलेगा, या ऑल ऑफ द अबव? और देखो दोस्तों, मैं आपको हर क्वेश्चन के बाद ऑलमोस्ट इन्फॉर्म कर दे रहा हूं कि नए नए दोस्त जुड़ते जा रहे हैं तो वो सोचेंगे अरे सर तो आज दिख ही नहीं रहे हैं। तो भाई सर कैसे दिख जाए, आज लाइट नहीं है, तो समझ रहे हो कैमरे और लाइट की प्रॉब्लम आ गई, तो दैट्स वाई दिस इज द प्रॉब्लम। अच्छा आप लोग ये बताइएगा, तो इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तीसरे क्वेश्चन का हो जाएगा कॉस्मिक रेज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉस्मिक रेज। अगर समुद्र से किसी शहर की ऊंचाई जितनी अधिक होगी वहां की आबादी उतनी ही ज्यादा कॉस्मिक रेज बढ़ा कर लेती, तो आपको पता होना चाहिए कॉस्मिक रेज। जितना ज्यादा नजदीक रहोगे, आप समझ लो ऐसे एकदम यार लोकल लैंग्वेज में याद करो ना कि समुद्र, आप सूर्य के नजदीक पहुंचते जा रहे हो तो आपके पास कॉस्मिक रेज तो ज्यादा आएगी ही ना। ठीक है, चलिए अगला, अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? देखो ये क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछता रहता है कि अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है, तो यार जरा बताना कि अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है। अच्छा, महीना कौन सा चल रहा है भाई? जहां तक हम जान रहे हैं मंथ तो हमारी आजादी का चल रहा है, अगस्त का चल रहा है। अगस्त में एग्जाम में जैसे नहीं, रेलवे के पेपर में रैंडमली क्वेश्चन आते रहते हैं, तो मैं भी आपसे कुछ रैंडमली क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। क्या आप बता सकते हो कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? अगस्त के रेलवे के एग्जाम में पूछे गए तीन चार क्वेश्चन। हालांकि मैं जान रहा हूं इसका कोई मतलब नहीं है, मन में आ गया तो आप लोग से यार अपने दोस्त हो, पूछने से मैं हिचकता नहीं हूं। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, और 1 अगस्त से बहुत ज्यादा पूछता है विश्व युवा दिवस। ये पूछने का बस मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि यार अचानक से एक रिविजन भी हो जाए, ठीक है ना? और विश्व स्तनपान दिवस भी कब मनाया जाता है, जो माताएं अपने बच्चों को दुग्ध पान कराती हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, भविष्य के लिए, स्तनपान दिवस। तो भाई इन सब क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर तो हो जाएगा 1 अगस्त को, क्लियर है? 1 अगस्त को विश्व युवा दिवस भैया 12 अगस्त को मनाया जाता है, क्लियर है? और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है ध्यानचंद जी की याद में? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। और इस क्वेश्चन का, चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लेड। जरा मैं एक बार देखूं कितने ने आंसर किया, तो बिल्कुल ठीक है, आंसर तो सही है सभी का, 275। अगला, वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक कौन सी गैस है? आपको बताना है सबसे ज्यादा प्रदूषक गैस कौन सी है। देखो यहां पे एक बात समझना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा प्रदूषक गैस कौन सी है, ब्यूटेन है, बेंजीन है, मीथेन है, या प्रोपेन है, ठीक है? तो बताना, देखो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? बिल्कुल, प्रिया दुबे जी, सोनिया, लिप्सा, राकेश, अंशु सिंह, ज्योति देवी जी, पूजा शर्मा, हेमंत, अधिराज, रोहित, स्वाति, आंसर करो। पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके मीथेन। क्या आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों? मीथेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक बात आपको और बता दें, मीथेन जो गैस है दोस्त, अक्सर इससे रेलवे में क्या पूछता है, जैसे कि धान के खेत, कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो धान के खेत से भी मीथेन गैस निकलती है। और दोस्त बायोगैस में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन गैस पाया जाता है। ब्यूटेन प्लस प्रोपेन,
इन दोनों के, ये है आपका ब्यूटेन, ये है दोस्त आपका प्रोपेन, इन दोनों के ही मिलने से क्या बनती है, एलपीजी बनती है। एलपीजी क्या कोई बता सकता है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, किन दो गैसों का मिश्रण होती है? देखो भैया मैं बार बार बता रहा हूं कि ब्यूटेन और प्रोपेन मिल जाने से आपका एलपीजी बन जाता है। तो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस किसके मिलने से बनता है, ये आपको कमेंट में करिएगा। तब तक मैं अगले क्वेश्चंस पे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट, घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत है, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हार्मफुल रेडिएशन इन द होम इज। देखो ये क्वेश्चन आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। सर आपकी तबीयत खराब है क्या? नहीं डोनाल्ड ट्रंप दोस्त, मेरी तबीयत नहीं खराब है, यहां पे लाइट नहीं है। लाइट नहीं है तो भैया क्या है, फेस नहीं है, ये एक वजह है दोस्त। और तबीयत उबीयत मेरी सब सही है, क्लियर है ना, तबीयत मेरी सब सही है। लाइट नहीं है तो मैं भी धीमे ही बोल रहा हूं कि चलो गर्मी हो रही है, थोड़ा सा धीमे हो गया हूं, ठीक है। मुरारी मिश्रा, सोनिया, पूजा, इसका आंसर करो। अमिता, और देखो आज मेरा फेस नहीं है, अब तब तो ये देखना ही पड़ेगा ना कि भैया हमारे दोस्त कितने दोस्तों को ला पाते हैं। अच्छा तो देखो, घर में हानिकारक विकिरण का जो सबसे बड़ा स्रोत है दोस्त, वो क्या है, आपकी कलर टीवी। अब सोच लो किसके घर में कलर टीवी नहीं है, ठीक है। ये रेलवे में पूछा गया बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो लाइफ के प्रोस्पेक्टस से भी जरूरी है। क्या इसका आंसर हो जाएगा, रंगीन टीवी, कलर टीवी इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। अच्छा तो यहां पे आपका कलर टीवी इसका क्या है, राइट आंसर है। अच्छा इसका देखने से संबंध है, कोई बता सकता है, विश्व दृष्टि दिवस, इससे रिलेटेड एक कर देता हूं। देखने हम लोग टीवी देखते ही है ना, कोई बता सकता है विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दृष्टि दिवस बताइएगा, बताइएगा जरा। और विश्व टेलीविजन दिवस भी बना दो, बता दो भाई। रिलेटेड चीज यदि दोहराते हुए चलें, टेलीविजन दिवस, विश्व टेलीविजन दिवस, ये भी जरा बताइएगा कि विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है और ये कब मनाया जाता है। तो विश्व दृष्टि दिवस, जहां तक भैया विश्व दृष्टि दिवस की बात है, 10 अक्टूबर। जरा मैं एक बार कमेंट में देखना चाहूंगा कितने लोगों ने इसका सही आंसर किया है। सालू गुप्ता जी, सालू गुप्ता जी, फ्रिज होता है लेकिन वो उतना ज्यादा नहीं होता। रईस खालिया, नमस्कार सर, लाइट कब आएगी? अनुज यार सिंह, यार पता नहीं यार, लाइट मेरे हाथ में तो नहीं है कि लाइट कब आ जाए। अब ये तो भगवान ही जाने कितने देर में आ गया, या बिजली विभाग जाने। विश्व टेलीविजन दिवस, विश्व टेलीविजन दिवस दोस्तों जो मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 21 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। और एक बार यार लाइक वगैरह तो बनता है ना, तो प्लीज डू द लाइक, क्लियर है। अगला, अधोलिखित में से प्रथम श्रेणी का प्रदूषक संकेतक कौन है? जैसे देखो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि फर्स्ट इज, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस तरीके के क्या हैं, कुछ पोर्शंस होते हैं कि आपके सेक्टर्स होते हैं। उसी तरीके से पॉल्यूशन के मैटर में भी कुछ सेक्टर्स बांटे गए हैं। तो प्रथम श्रेणी के प्रदूषक में कौन सा आता है? बहुत बढ़िया, मुरारी मिश्रा जी, निंजा जी, प्रिया दुबे, शिव चुमार, सर आपकी फोटो नहीं दिख रही है। बीएच उपेंद्र सिंह, यार देखो दोस्त फोटो इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि लाइट कटी हुई है दोस्त। यदि लाइट रहती तो मैं जरूर यहां पे आपको मेरी इमेज दिख रही होती, तो कोई बात नहीं। आज मान लीजिए कि यहां पे आपके सर जी बैठे हुए हैं, ठीक है, यहां आपके आशुतोष सर बैठे हुए हैं, एक दिन मान करके पढ़ लो यार, ठीक है। अधोलिखित में से प्रथम श्रेणी का प्रदूषक कौन सा है? तो भाई प्रथम श्रेणी का जो प्रदूषक है वो क्या है, आपके पावर्ड कैविटी मोलस्का, चूर्ण प्रवार मोलस्का, ठीक है ना, ये प्रथम श्रेणी का प्रदूषक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, अमित सिंह जी, धर्मेंद्र, ज्योति, प्रमोद, ये रहा ब्यूटी जी, कौन सा हानिकारक पदार्थ नाभिकीय विस्फोट के बाद लंबे समय तक सक्रिय रहता है? नाभिकीय विस्फोट के बाद लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला हानिकारक पदार्थ कौन सा है, ये बताइएगा, बताइएगा दोस्तों। सबसे लंबे समय तक जो सक्रिय रहता है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो अब देखो आंसर अगर करोगे ना तो बहुत मजेदार ढंग से यार हम लोग इसका कर लेंगे। अच्छा यहां पे मैं आपके कुछ परमाणु केंद्र पूछ रहा हूं, परमाणु, परमाणु केंद्र, ठीक है ना, जरा आंसर करना रिलेटेड परमाणु। जब नाभिकी विक्टर की, नाभिकी संयंत्र की बात हो रही है तो कुछ परमाणु विद्युत गृह की बात कर लेते हैं, ठीक है, परमाणु विद्युत गृह की आपको बताना है। मैं चार पांच लिख रहा हूं, जैसे आपको बताना है कैगा, कैगा परमाणु विद्युत केंद्र कहां पड़ता है। साथ ही साथ दोस्त आपको बताना है कुडनकुलम। देखो पढ़ना एक अलग बात है लेकिन रिवीजन के साथ पढ़ते रहना एक अलग थिंक होता, अलग थिंक होता है कुडनकुलम। उसके अलावा दोस्त आपको एक रिवाइज करना है नाभिकी विक्टर से, नाभिकी रिएक्टर के बाद तारापुर, तारापुर आपको बताना है। साथ ही साथ दोस्त आपको नरौरा बताना है। ये परमाणु केंद्र कहां पड़ते हैं आपको इतना ही का आंसर करना है, ठीक है।
अच्छा एक है कि यदि रेलवे अपडेट नहीं आई सर आज, राजवीर यार कुछ भी अपडेट आएगा तो मैं जरूर आप लोग को बताऊंगा। उसके लिए प्रदीप, अमिताभ, प्रियंका आप लोग परेशान मत हो, रेलवे कुछ भी अपडेट करेगा ना तो आई विल गो फॉर दैट। पहले तो 8वें क्वेश्चन का आंसर कर दूं। 8वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है, 8वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। कैगा कहाँ पड़ता है भाई? तो कैगा निश्चित तौर पे आपके कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। कैगा कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। कुडन कुलम कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा कुडन कुलम तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। अच्छा तारापुर कहाँ पे पड़ता है? तो भैया तारापुर कहाँ पे पड़ता है? तो सर आंसर आसान है, हमारे सारे दोस्त दे देंगे कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और एक आप और पूछ सकते हो कि अगस्त को रेलवे की तरफ से टेक्निकल बिल्डिंग के अपडेट आने वाले। बिल्कुल आयुष शर्मा झुंझुन जी, 18 अगस्त उसकी डेस्ट है, ठीक है ना? 18 अगस्त को शायद रेलवे का कुछ अपडेट आ जाए, ठीक है ना? तो वो मैं आपको जरूर दे दूंगा, 18 अगस्त को मैं उसका अपडेट आपको जरूर दे दूंगा, ठीक है? तो इसलिए परेशान मत होइएगा, 18 अगस्त को रेलवे की जी सर इवनिंग तक आएगा। हाँ दोस्त कुछ ना कुछ, जैसे अब 18 को तो मीटिंग ही होगी, अब मीटिंग के बाद कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा तो मैं उसका पूरा वेरीफाई करने के बाद आप लोग को बताऊंगा जरूर। जीवधारियों का कौन सा वर्ग नाभिकीय विकिरण के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? अच्छा मैं आज का एक सेक्शन आपको बता सकता हूं, ये जो पर्यावरण की मैं क्लास ले रहा हूं ना, विश्वास करना रेलवे में एक दो क्वेश्चन आज सुबह और आज शाम को भी मैं पर्यावरण के ऊपर ही क्लास ले रहा हूं तो वहां मिलेगा। समीर बिहारी बाबू सर कहाँ हो आज? यार समीर यार मैं सब लोग को बार बार बता रहा हूं दोस्त, आज लाइट नहीं है तो मतलब समझ रहे हो, फिर दिक्कत आ रही है। आने को तो मैं एक बार आ जाऊं, चलो तुम लोग इतना कह रहे हो तो मैं एक बार कोशिश करता हूं कि मैं आ जाऊं। लेकिन देखो होगा क्या कि जो आपकी इमेज है ना वो बड़ी गंदी सी आएगी, तो मैं इसीलिए हट गया हूं कि देखो आ गया आप लोग के सामने। तो अगर इससे तुम लोग को लग रहा है कि सर इतने पे भी बने रहिए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं आप लोग के लिए बना ना रहूं। देख रहे हो वो झिलमिलाहट सी आ रही है ना, क्योंकि प्रॉपर लाइट नहीं है दोस्त, और जब प्रॉपर लाइट नहीं है ना तो फिर समझ लो कि भैया दिक्कत है, ठीक है? अच्छा इसका आंसर करो कि जीवधारियों का कौन सा वर्ग नाभिकीय विकिरण के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है, ठीक है? सर्वाधिक संवेदनशील होता है नाभिकीय विकिरण के प्रति। तो मैं भी देखूं कि कैसा इमेज आ रहा है, ठीक है? तो ये अब बताओ इससे क्या फायदा है? तो 9वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है, 9वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है? 9वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवाद भी कहा जाता है? देखो ये क्वेश्चन मैंने कई बार पढ़ाया, ये क्वेश्चन मैंने कई बार पढ़ाया आप लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवाद कहा जाता है। दर्शन दे, अच्छा ठीक है। अब यार देख रहे हो ना तुम लोग, देखो खुद कि इमेज थोड़ी सी गड़बड़ टाइप की आ रही है ना, क्यों? क्योंकि लाइट नहीं है भैया। तो अब आप लोग की इच्छा है तो ऐसे ही सही सर, ऐसे भी आप गुड हो, ठीक है? ललन त्रिपाठी मेरे दोस्त, तो तुमने एकदम लल्लन टॉप बात कर दी है तो मैं तो रहूंगा। दसवां, दसवां का ए ऑप्शन व्हाइट वाश, सफेदा। इसको हम लोग यूके लिप्टस का पेड़ कहते हैं, जो एडवांस यूके लिप्टस, क्लियर है ना दोस्त? इसको हम लोग यूके लिप्टस भी कहते हैं, ठीक है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूके लिप्टस भी कहते हैं। इसको हम लोग इकोलॉजिकल टेररिस्ट कहते हैं, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई? अपने आप में, अच्छा ओजोन छिद्र की मोटाई मापने का, ओजोन छिद्र की मोटाई जो उसकी विड्थ होती है दोस्त, मोटाई मापने की यूनिट क्या होती है? मापने की यूनिट क्या होती है? ओजोन छिद्र की मोटाई मापने की यूनिट क्या होती है, ये जरा आंसर करो, ठीक है? तो भैया इसका आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लीज गायब नहीं होना, ठीक है? कोई बात नहीं, आप सामने रहते हो तो पढ़ाई अच्छी होती है। उमा शंकर मैं जान रहा हूं, कोई ना सर जी, अब ठीक है, ठीक है, चलो मैं ऐसे ही इमेज के साथ रहूंगा। तो ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई, किसकी मोटाई? तो भैया देखो पहले इस क्वेश्चन का आंसर अगर 11वें क्वेश्चन का मैं दे दूं तो निम्बस, याद रखना, बहुत कम स्टूडेंट्स को ये याद रहता है। अगर आपको याद रहा देख लेना, किसी न किसी एग्जाम में एक मार्क्स आपको दिला देगा, ठीक है? मैं मोबाइल से आपके कमेंट लगातार देख रहा हूं, ठीक है ना? बिल्कुल विजेता जी, थैंक यू। इवनिंग को क्लास है ना सर? बिल्कुल, शाम को आज क्लास कितने बजे है? 7:15 बजे है। और इसकी इकाई क्या हो जाएगी दोस्त? डॉप्शन, क्लियर
क्लियर है ना, इसकी इकाई क्या हो जाएगी, डॉप्सन हो जाएगी। शाम में 7:15 बजे भी आज इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का ही क्लास है जो बहुत शानदार तरीके से चलने वाला है, और उम्मीद करेंगे उस समय लाइट भी रहेगी और एकदम इमेज उमेज एकदम अच्छे से आएगी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके कारण वायु प्रदूषण नहीं होता है। अच्छा अब बताओ किसके कारण, अब आप खुद से सोच लो दोस्त कि डीजल इंजन के कारण वायु प्रदूषण होता है कि नहीं। आप कहोगे यस सर होता है, फिर मैं कहूंगा कि बताओ पॉलन ग्रेन पराग कण के कारण वायु प्रदूषण होता है कि नहीं। आप कहोगे सर कि पराग कण के कारण पता नहीं सर, ताप विद्युत के केंद्र, जल विद्युत शक्ति केंद्र। तो भैया मैं आपको एक बात बता दूं कि 12वें क्वेश्चन का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन सही आंसर होगा। अब इसमें से कई लोग बी और सी में, डी में कंफ्यूज रहेंगे, बी और डी में कंफ्यूज रहेंगे कि हाइड्रो। तो भैया एक बात याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा ये आप लोग बताओगे, क्योंकि मैं करूंगा तो आप लोगों को लगेगा कि अरे सर अरे सर अरे सर, ठीक है ना। सर की क्लास नहीं चली थी क्या? ललन त्रिपाठी जी, मैं शनिवार रविवार सर का सर नहीं नहा धोकर भी, ठीक है इसका आंसर ये होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु को उत्प्रेरक समपरिवर्तक में उत्प्रेरक के रूप में कहते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग कमेंट बॉक्स में करना, मैं वेट करूंगा इसका। इसका आंसर क्या होगा भाई, निम्नलिखित में से किस धातु को कैटलिस्ट कन्वर्टर के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में, मेटल इज यूज्ड कैटलिस्ट इन कैटलिक कन्वर्टर, ठीक है। बताइएगा किसका प्रयोग किया था। अब ये कई लोग क्वेश्चन ही पहली बार सुने होंगे, सही बात है कि नहीं, कि निम्नलिखित में से किस धातु को उत्प्रेरक समपरिवर्तक में उत्प्रेरक के रूप में जाना जाता है, क्वेश्चन ही पहली बार सुने होंगे। क्यों? क्योंकि टफ लेवल है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन आप ज्यादा करते ही नहीं हो, तो आपको प्रॉब्लम है। 13वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, पैलेडियम। अगर नहीं याद था तो अब याद कर लो, लेकिन याद कर लो, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण कितनी डेसिबल ध्वनि से होता है। देखो ध्वनि प्रदूषण के अलग अलग मापक तय कर दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ध्वनि प्रदूषण के, और इंटरनेशनली भी इसके अलग अलग मापक हैं। यदि दोस्त 80 से 85 डेसिबल के ऊपर के साउंड हम लोग सुने तो हम लोग बहरे हो सकते हैं। आर्केस्ट्रा वगैरह और इन सब में 100 डेसिबल से बहुत ज्यादा साउंड निकलता है। अच्छा मैं आपको बताऊं कि ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल तक होती है भाई, तो 14वें का बी, अगर 80 से 90 से ऊपर पहुंचा, ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण कितनी डेसिबल। वैसे नॉर्मली हम बताएं कि हम लोगों के नॉर्मल 35 से 45 ये हम लोग के लिए सबसे आइडल माना जाता है कि इतने, क्योंकि इतने पे जाने के बाद ये बहुत हानिकारक होते हैं, इसलिए इसको ध्वनि प्रदूषण की, हालांकि ध्वनि प्रदूषण तो भैया आप 60 डेसिबल से ऊपर जाने लगे, 60 डेसिबल से ऊपर जाने लगे तभी आपको ध्वनि प्रदूषण मान लिया जाएगा, क्लियर है ना। लेकिन एक्चुअली 80 से 90 के ऊपर आप बहरे हो सकते हैं, इसलिए इन ऑप्शंस में 80 से 90 को क्या किया है, सही माना गया है, ठीक है, 80 से 90। अगला PAN पेरोक्सीटील नाइट्रेट मुख्य है। अच्छा एक बात बताओ, पहली बार कई लोग नाम सुने हो कि नहीं इस क्वेश्चन का, पेरोक्सीटील PAN पेरोक्सीटील नाइट्रेट क्या है, मुख्य रूप से क्या है पेरोक्सीटील नाइट्रेट। तो मैं आपको बताऊं कि पेरोक्सीटील नाइट्रेट सर अक्सरता में डीजे बजता है, हाँ आर्केस्ट्रा वगैरह में बजता रहता है। अधिराज चौधरी जी, इस क्वेश्चन का जरा आंसर करके बताना कि इसका सही आंसर क्या होगा 15वें क्वेश्चन का। तो 15वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्त सी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। पैन पेरोक्सीटील नाइट्रेट क्या है, वायु प्रदूषक है, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन न याद हो, लेकिन दोस्त इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून कब लागू हुआ। अब बताओ इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, नॉर्मल लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जल प्रदूषण नियंत्रण कानून कब लागू हुआ था। दोस्त याद रखना, भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून कब लागू हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा जल प्रदूषण नियंत्रण कानून का बी ऑप्शन 1982, ठीक है ना, 1982, ठीक है 1982, जल प्रदूषण कंट्रोल लॉ केम इनटू। अच्छा आप खुद बताइए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपको कैसा लग रहा है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्त ना, आप खुद हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी तो आप लोग अक्सर पढ़ते हो, आप लोग छोड़ के क्या चलते हो, इकोनॉमिक्स छोड़ के चलते हो, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन, इकोलॉजी के क्वेश्चन, और यही 4 से 8 क्वेश्चन आपके पेपर में रहते हैं, फिर आप कहते हो सर जीएस का पेपर खराब हो गया।
भाई जब तक पढ़ोगे नहीं होगा कहां से। और आप बता दूं कि आज शाम 7:15 बजे भी मैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ही आपको पढ़ाने वाला हूं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ही पढ़ाने वाला हूं, जरूर जुड़िएगा 7:15 बजे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 1982। अगला, निम्न में से किसे प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड नेचुरल पॉल्यूटेंट। भाई मैं आपको बता दूं, प्राकृतिक प्रदूषण जंगल की आग को कहते हैं, ठीक है ना, जंगल की आग को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक प्रदूषण। और ढाक के पेड़ को जंगल की आग कहते हैं, एक पौधा होता है दोस्त ढाक, ठीक है ना, ढाक का पौधा, ये जो ढाक का पौधा होता है दोस्त, इसको हम लोग जंगल का आग भी समटाइम कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना दोस्त। और हाँ यार, मेरे बहुत सारे दोस्त बाद में भी जुड़ रहे हैं, तो वो सोच रहे होंगे कि सर कितना क्वेश्चन कराइएगा, सर प्लीज बताएं। तो दोस्त मैं एक क्वेश्चन 20 कराऊंगा, और चूंकि लाइट नहीं है, आप देख ही रहो कि इमेज अच्छी नहीं आ रही है, तो मैं आज 20 ही कराऊंगा, फिर शाम में जुड़ेंगे। निम्न में से लाइकेन किसके प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, लाइकेन किसके प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। अरे यार, वो लाइट ना होने की वजह से ना दोस्तों, कुछ लोग कमेंट में लिख रहे हैं, तो मैं बता दूं दोस्त कि वो क्या है कि लाइट के प्रॉब्लम की वजह से ऐसा जा रहा है कि इमेज अच्छी नहीं जा रही है, लाइट आती तो शायद अच्छी हो जाती। निम्न में से लाइकेन किसके प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। रिमेंबर दैट जो लाइकेन होता है दोस्त, वो आपके सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे अधिक संवेदनशील होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के, ठीक है ना। हाँ, पलास भी कहते हैं दोस्त, बिल्कुल पलास भी इसे कहते हैं। अगला, धुएं से आंखों में जलन पैदा करने वाला होता है, स्मोक कॉजेज आई इरिटेशन, कौन सा इसमें से धुआं है दोस्त जो आपके आंखों में जलन पैदा करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, या नाइट्रिक ऑक्साइड, या पेन पराक्सीटील नाइट्रेट। अब देखो, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था कि पराक्सीटील नाइट्रेट एक वायु प्रदूषक है, तो अब वो बात कभी भूलनी नहीं चाहिए, ठीक है ना भाई। मैं बताऊं, नाइट्रिक ऑक्साइड अगर जलेगा तो क्या करेगा, आपके आंखों में जलन पैदा करेगा, क्लियर है, नाइट्रिक ऑक्साइड आपके आंखों में जलन पैदा करेगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे इसका कि अगला क्वेश्चन का आंसर क्या है। कोशा में सल्फर, कोशा नहीं दोस्त, कोशिका होगा यहां पे, ठीक है ना, यहां पे क्या होगा, कोशिका, कोशिका में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रभावित होने वाला भाग है, बताएगा ये कोशिका है, क्लियर है ना, ये कोशिका है, कोशिका, ठीक है ना, कोशिका है, ये सेल है यार, वो लिखने में एक शब्द छूट गया, का शब्द छूट गया। तो कोशिका में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रभावित होने वाला भाग है, जरा बताइएगा कौन सा भाग है, ठीक है, कोशिका में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रभावित होने वाला। तो करण मौहर जी, अभिषेक सिंह चौहान जी, श्वेता मिश्रा जी, बेस्तन जी, सोनिया सिंधु, काजल, प्रदीप, तनु गुप्ता जी, आंसर करिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्त, सेल मेम्ब्रेन ऑफ द वॉल इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये हुआ, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ द वॉल इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, जानकारी के लिए बता दूं, SSC का महापैक एक शानदार महापैक है, और दोस्त ये 12 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको मिल रहा है। और इस SSC के महापैक में आपको क्या क्या मिल रहा है जरा एक बार समझना। और ये जो SSC का महापैक है, याद रखना, मेरे रेफरल कोड से आपको 32% ऑफ पे भी मिल रहा है, 32% ऑफ पे। तो देखो, इस SSC के महापैक में जो आप मेरे रेफरल कोड Y182 से परचेस करोगे, आपको एक तो मेरे कोड से 32% ऑफ मिलेगा, अप टू 32%। आपके इस SSC के महापैक में CGL, CPU, CHSL, स्टेनोग्राफर, MTS, कांस्टेबल, सिलेक्शन पोस्ट, दिल्ली पुलिस हेड ऑफिस, ये सारे पोस्ट कवर हैं। और दोस्त मैं आपको बताऊं कि अदर्स की अपेक्षा, अन्य लोगों की अपेक्षा, हम लोग इसको ज्यादा अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, तो ये चीजें थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, ठीक है ना दोस्त, ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ऑल लाइव क्लासेस इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं सभी, चाहे लाइव क्लास की बात हो, टेस्ट सीरीज की, वीडियो की, रिवीजन बैच की, रिकॉर्डेड वीडियो, ई बुक्स, पर्सनालिटी, इवन स्पोकन इंग्लिश का बैच आपको फ्री मिल रहा है, समझ रहे हैं। तो इस चीज को आप क्या रखेंगे, ध्यान रखिएगा, इवन स्पोकिंग इस इंग्लिश का भी फ्री मिल रहा है। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि बिना रिवीजन के तो बात बनेगी नहीं। तो चलिए आइए एक बार रिवीजन में आ जाते हैं, और अब हम लोग तेजी से, लेकिन एक बार भाई आप भी लाइक वाइक करिए, ठीक है, एक बार लाइक वगैरह करिए, एक बार मैं आपके लिए रिवीजन करा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए
पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नाभिकीय विकिरण द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाला शरीर का अंग कौन सा है, तो भाई याद रखिएगा बोन मैरो है, ठीक है, कौन सा है भाई, तो बोन मैरो है। नेक्स्ट, रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है, रिमेंबर दैट बेंजीन, अब रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, समुद्र से किसी शहर की ऊंचाई जितनी अधिक होगी वहां की आबादी उतनी ज्यादा क्या रिसीव करेगी, कॉस्मिक रेस, याद हुआ। अगला, अखबार में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है भैया, तो लेड पाया जाता है। वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक गैस कौन सी है, तो वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक गैस आपकी कौन सी है, पांचवें का सी मीथेन है, ठीक है, पांचवें का सी मीथेन सर्वाधिक प्रदूषक गैस है, ठीक है, प्रदूषक गैस है। अगला क्वेश्चन, घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है दोस्त, कलर टीवी है, ठीक है ना, मत देखा करो, कम देखा करो। चलो, अधोलिखित में से प्रथम श्रेणी का प्रदूषक कौन सा माना जाता है, याद रखिएगा पाउडर्ड कैविटी मोलस्का, ठीक है, पाउडर्ड कैविटी मोलस्का, ठीक है, धरा सिंह जी। चलिए अगला आंसर करना, कीनू जी अगला आंसर करिएगा, कौन सा हानिकारक पदार्थ नाभिकीय विस्फोट के बाद सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहता है, याद रखना प्लूटोनियम सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहता है। नेक्स्ट, जीवधारियों का कौन सा वर्ग नाभिकीय विकिरण के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है, मैं आपको बता दूं कि जीवधारियों का कौन सा वर्ग सर्वाधिक संवेदनशील है, तो स्तनपाई मैमल्स, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवाद कहा जाता है, ठीक है ना, पारिस्थितिकी आतंकवाद कहा जाता है भाई, याद रखिएगा सफेदा या यूकेलिप्टस के पेड़ को, इकोलॉजिकल टेररिस्ट, ये रेलवे का क्वेश्चन रहा है। नेक्स्ट, किस उपग्रह द्वारा ओजोन क्षेत्र की उपस्थिति दर्ज की गई है, निम्बस 7 के द्वारा ओजोन क्षेत्र की उपस्थिति दर्ज की गई है, और ओजोन क्षेत्र की मोटाई मापने का इकाई क्या है, डॉप्सन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके कारण वायु प्रदूषण नहीं होता है, दोस्त याद रखिएगा जो वायु प्रदूषण है वो किसके कारण नहीं होता है, तो मैंने इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में टाई किया था, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है किसकी वजह से नहीं होता, इस क्वेश्चन को मैंने रोका था। निम्नलिखित में से किस धातु को उत्प्रेरक संप्रदक रूप में प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा दोस्त उत्प्रेरक संप्रदक के रूप में हम लोग पैलेडियम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल ध्वनि से होता है, तो भैया नॉर्मली तो 50 के ऊपर ध्वनि प्रदूषण आ जाता है, लेकिन 85 डेसिबल होते होते आदमी बहरा हो सकता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन ले जाते हैं। पराक्सीटील नाइट्रेट क्या है, तो भैया पराक्सीटील नाइट्रेट क्या है, 15वें क्वेश्चन का सी एयर पॉल्यूटेंट है। नेक्स्ट, भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कब लागू हुआ, तो 1982 में। जो दोस्त लिस्ट में जुड़े हों उनको मैं बता दूं कि हम लोग इसको क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि यार रिवीजन राउंड करा रहा हूं, ठीक है। निम्न में से किसे प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं, भाई याद रखना जंगल की आग को प्राकृतिक प्रदूषक, ढाक का पेड़ या पलाश का पेड़ भी, ठीक है। लाइकेन किसके प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है, 18वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति क्या होता है, अत्यधिक संवेदनशील होता है। नेक्स्ट, धुएं से आंखों में जलन पैदा करने वाला क्या होता है, भैया धुएं से नाइट्रिक ऑक्साइड का धुआं जो होता है आंखों में जलन पैदा करता है। लास्ट, कोशा में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रभावित होने वाला भाग है कौन सा, कोशा नहीं यहां कोशिका है, क्लियर है ना, ये क्या है, कोशिका है, ये क्या है, कोशिका है, ठीक है, कोशिका, क्योंकि सेल लिखा हुआ है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन। फिर से एक बार आपको बता दे रहा हूं दोस्तों कि एसएससी का महापैक मेरे रेफरल कोड Y182 से आपको 32% ऑफ पे मिलेगा, 32% ऑफ पे मिलेगा। और दोस्त इस एसएससी के महापैक में कोई ये सिंगल नहीं है दोस्त, इसमें आपको इतने सारे एग्जाम्स कवर हो रहे हैं, ठीक है ना, तो आज ही अड्डा 24/7 पे विजिट करें, और ये भी देख लो कि हम लोग के अड्डा 24/7 के महापैक में और अदर्स के महापैक में कितना बड़ा डिफरेंस है, क्लियर है ना, कितना बड़ा डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को भी ध्यान रखो। और दोस्त ये एसएससी का महापैक या आरआरबी एनटीपीसी का बैच, ये आपको परचेस करने हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। दोस्तों आज आपसे शाम 7:15 बजे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सेशन को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।